श्रद्धेय गुरु, मेरे श्रद्धेय गुरु डॉक्टर अमरजीत सिंह मान को सत सत नमन। नमन गुरु, आपका स्वागत करके मैं अपने को धन्य समझती हूँ। हाँ, तो एएमटी और मनोभाव के सभी चिकित्सक बंधु, आप सबका भी स्वागत है। हम सब के गुरु के मुख से इग्नेशिया का मनोदशा सुनने के लिए, थोड़ी थोड़ी सी मेरे तरफ से। लंबे समय से दुख को संजोए हुए कंसोलेशन सांत्वना को अस्वीकारते हुए मूर्ख निडर चुनौतीपूर्ण अवज्ञाकारी अन्याय जिसे लगता है बहुत भारी, बीमारी को लाइलाज बताती, राज को राज ही रखती, प्रतिज्ञा टूट जाने का भ्रम सताता, मनोरंजन उसे बिल्कुल नहीं भाता। भ्रम किस्मत ने मुंह फेर लिया, हंसी मजाक खिल्ली किसी ने उड़ा दिया। मेरे तरफ से बस इतना ही। वेलकम डॉक्टर मान सर, आप हमें इग्नेशिया पढ़ाएं और हम सब अच्छे बच्चे की तरह पढ़ेंगे। नमस्ते जी। नमस्कार जी। आपने तो पढ़ा दिया इग्नेशिया, सारी जरूरत तो रही नहीं अभी। आपने उसका मेन जो रूब्रिक थे वो सभी की कविता बना दी। जी, आशीर्वाद है सर आपका। आप लोग इतने अच्छे से समझाते हैं और आपकी किताब जो है बहुत मदद करती है इसको समझने में। हाँ जी, हाँ जी। अभी इसको और लंबा करूंगी, समय कम था इसलिए बस छोटा सा इग्नेशिया। अभी इसके और रूब्रिक्स में इसमें डालने का कोशिश करूंगी। डॉक्टर अंजू कुमारी प्रसाद, उन्होंने कविता के रूप में इग्नेशिया के बारे में काफी कुछ बोल दिया। जो हम एक ग्रुप लेके चलते हैं ना, चार मेडिसिन का, सल्फर, क्रोकस, इग्नेशिया, नेट्रेबोर, उसमें अच्छे, इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं ना। जैसे क्विक रिपेंटेंस है, सल्फर क्रोकस है, अम्यूजमेंट वर्जन है, सल्फर है, म्यूजिक रिलेटेड सो मैनी रूब्रिक्स। डेली पेशेंट आते हैं। आज भी एक आई थी लड़की के म्यूजिक बहुत सारा शौक है सुनने का, और साथ में गुनगुनाना, हाँ जी गुनगुनाना भी साथ में है, सिंगिंग इनवॉलंटरली ज्वाइनिंग सिंगिंग, मेमोरी एक्टिव फॉर म्यूजिक, म्यूजिक अमेलियोरेट्स, ये सारे कुछ क्रोकस आ जाता है। और जो सल्फ इग्नेशिया एंड नेट्रेमूर है, उसमें इग्नेशिया और नेट्रेमूर में लेट रिपेंटेंस हम लेते हैं, जैसे सल्फर और क्रोकस में क्विक रिपेंटेंस लेते हैं। ये हमारी जो एएसआरएच है उसकी ही ये एक डिफरेंशिएशन किया हुआ है और शुरू से किया हुआ है हमने, और इससे इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं कि लेट रिपेंटेंस है तो इग्नेशिया एंड नेट्रेमूर है, और इग्नेशिया में अम्यूजमेंट अवर्जन टू है, और नेट्रेमूर में म्यूजिक अमेलियोरेशन है। तो इतना इतना क्विक और बहुत शॉर्टेस्ट, बहुत इजी डीडी है। आज भी हम और मेडिसिन के पास चले जाते हैं, और मेडिसिन पे चले जाते हैं, अल्टीमेटली फिर कभी इग्नेशिया पे आते हैं, कभी नेट्रेमूर में आते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आपने विद फुल कॉन्फिडेंस इतना डिफरेंशिएशन करके कि क्या पछतावा जल्दी आता है या लेट आता है, और फिर म्यूजिक अच्छा लगता है या नहीं लगता, छेती पछतावा आता है, जल्दी पछतावा आता है, म्यूजिक अच्छा लगता है, क्रोकस है, पछतावा जल्दी आता है, म्यूजिक अच्छा नहीं लगता, सल्फर है, लेट पछतावा आता है आफ्टर वन आवर, तो इग्नेशिया एंड नेट्रेमूर है। इग्नेशिया में म्यूजिक अवर्जन है, म्यूजिक एग्रावेशन है, अम्यूजमेंट अवर्जन है, नेट्रेमूर में म्यूजिक अम्यूजोरेशन है। तो इतना इतना इजी डीडी है। और दूसरा जो पार्ट है इग्नेशिया का, जो हम पहले से पढ़ते थे, इग्नेशिया एक ऐसी मेडिसिन थी जिसका माइंड हम अप्लाई करते थे, वो आज भी उतना ही काम करता है। एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ
लव्ड वंस, किसी की भी डेथ हो गई है, डिलीरियम लुक फिक्स्ड एट वन पॉइंट, वही बात मन में बार बार आ रही है, ड्रीम फिक्स्ड अपॉन वन थिंग डज नॉट लीव ऑन वेकिंग, सुबह उठते भी वही बात याद आती है, रोना आता है, तो फिर इग्नेशिया आज भी 80% केसेस कवर करती है, 90% कवर करती है, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट यूथ में, यंग जनरेशन में, उसमें भी इग्नेशिया उतने ही काम करती है, बहुत रेयर कभी कभी फेलर मिलती है। पहले हम एक बार इग्नेशिया ही देते हैं, डॉक्टर जगन्नाथ का था कि आवाज काम आ रही है, तो पहले ब्लूटूथ लगाया हुआ था ना इसीलिए क्लिनिक आते समय, एक मिनट में दोबारा, एक मिनट सर, साउंड प्रॉपर है, ओके एक मिनट बस। तो अभी गड़बड़ हो गई, तो एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट, जितनी भी केस आते हैं, लड़की है लड़का है, लव डिसअपॉइंटमेंट हो गया, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ आ जाता है, एलिमेंट्स फ्रॉम जेब आ जाता है कि इतना गम है मेरे को कि उसने धोखा दे दिया जो मेरा दोस्त था, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्रेंडशिप डिसीव्ड आ जाता है, तो इतना काम आज भी इग्नेशिया करती है। तो इन ऐसे जो करैक्टरिस्टिक है इनको छोड़ना नहीं है, तो जिसमें इग्नेशिया आज भी वैसे ही काम करती है, इवन फाइनेंशियल लॉस में भी इग्नेशिया आ जाता है, आप देखेंगे ना फ्रॉम लॉस फाइनेंशियल, तो उसमें भी इग्नेशिया आ जाता है। तो एक तो ये पार्ट हो गया सेकंड इग्नेशिया का, कि एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, एक जो पहले हमने डिस्कस कर ली है उसका म्यूजिक एंड लेट रिपेंटेंस है, तो ऐसी इसका जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है इग्नेशिया का, कि बात उसके मन में से निकलती नहीं है, जैसे ओसीडी में होता है कि बार बार वही 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 बात आती रहती है, लॉक बार बार चेक करना, लॉक लगा नहीं है, गैस बंद नहीं हुई है, कोई भी है रिपीटेडली चेक एंड रीचेक करना, तो वो इग्नेशिया में बहुत इग्नेशिया केस निकालती है, ऐसे भी डायरेक्टली भी जैसे ड्रीम के अंडर आप जाएंगे, ड्रीम फिक्स्ड अपॉन वन थिंग, उसके नीचे फिर साबरी बुर्क है डज नॉट लीव ऑन वेकिंग, मॉर्निंग उठता है फिर भी वही बात है, ऐसी डिलीरियम लुक फिक्स्ड अपॉन वन थिंग है, और साथ में अगर मिल जाए आपको के लेट रिपेंटेंस है, अम्यूजमेंट वर्जन है, तो वो इग्नेशिया इवन ओसीडी केसेज को आराम से निकाल देती है। ऐसी इसका पार्ट आ जाता है जो है कि इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट है, वो भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑडेसिटी में है जी, करेजियस में है, ऑडेसिटी है कि इतनी दिलेरी के कोई बेसिक उसके आगे एसएसपी है, डीजीपी पुलिस है, डिप्टी कमिश्नर है, एसएचओ है, कोई भी है, उसने परवाह नहीं करनी, इतनी दिलेरी है उसमें, ऑडेसिटी इग्नेशिया टॉप पे है उसमें, करेजियस डिफाइंट सभी रूब्रिक में है,
कि अथॉरिटी के आगे डिफाइंट अड़ जाना, क्वारलसम इंडस्ट्री स्कैंडर्ड सपोर्ट अप्रोच्ड बाय पर्सन बीइंग एग्रेवेशन, के कोई अप्रोच करता है अगर उसको कि ऐसे ना करो आप, कोई उसको सजेशन देता है एडमोनेशन काइंडली एग्रेवेट्स, कोई सलाह देता है कि ऐसे ना करो भैया आप आग में ना कूदो, जैसे वो आग में कूद जाने वाला पर्सन है। कहीं भी आप सोसाइटी में कहीं देखते हैं जो कामरेड टाइप लोग होते हैं, जो कम्युनिस्ट होते हैं, जो सोशली एक्टिव होते हैं, जो करेजियस होता है कि कैलकुलेट करके स्टेप लेना कि जही अगर कहीं खतरा है तो ना उसमें पार्टिसिपेट करना। और अग्नेशिया वाला तो खतरा मोल लेता है, ऑडेसिटी है, दिलेरी है उसमें बहुत ज्यादा, ऑडेसिटी, डेयरिंग, ब्रेव, फियरलेस, नेवर बॉदर अबाउट हिमसेल्फ और कॉन्सिक्वेंसेस, कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे इसके। क्रेजिस होता है दी एबिलिटी टू कंट्रोल फियर व्हेन फेसिंग डेंजर, करेजी साला जब उसको लगता है कि डेंजरस है, खतरा है, तो वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। डिफाइंट होता है कि रजिस्ट करना, डिसओवे करना अथॉरिटी ने, जिस सभी हम देखते हैं कि जो समाज को बदलना चाहते हैं उनमें जे ऐसे रूब्रिक मिलते हैं हमें, बेशक वो कैसे भी समाज को बदलना चाहे, इवन इफ ही डज नॉट हैव द करेज एंड ओपोनेंट्स आर स्ट्रॉन्गर, जेट ही फील्स दैट समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग, ही विल रिवेल थिंकिंग इट टू बी हिज ड्यूटी, ही थिंक्स दैट इट इज हिज ड्यूटी टू स्पीक अगेंस्ट इनजस्टिस, ही विल डिफाई इवन द स्ट्रॉन्गर एंड द मोर पावरफुल, तो वो अड़ जाता है। अग्नेशिया वाला अगर देखेंगे आप ऐसे होता है। एक उसका जो पार्ट आ जाता है कि वो दूसरी साइड चला जाता है डिजीज के बारे में, वो सभी रूपक में है अग्नेशिया, हमें डिफरेंशिएट भी नहीं करना पड़ता कि प्रॉपर क्या मीनिंग होगा। जैसे बेलाडोना हम देते हैं, नाइव, क्रेडुलस, सुपरस्टिशियस तीनों में है जी इग्नेशिया, डिल्यूजन डिजीज इनक्योरेबल ही है जैन, उसमें भी है, डेस्पेयर ऑफ रिकवरी में भी है, और उससे भी आगे डिसकंसर्टेड में भी है। ब्रोमियम के साथ दो ही मेडिसिन है कि टोटली हथियार सिट देना, टोटली हार मान लेना कि अब तो ठीक हो ही नहीं सकता, डिल्यूजन डिजीज इनकेरेबल कि मेरे को तो जो बीमारी है वो ठीक नहीं होनी कवे, डेस्पेयर ऑफ रिकवरी एंड डिसकंसर्टेड। इसमें ब्रैट में दिया है हमने कि नक्स वोमका, स्टेफी सिगेरिया, कास्टिकम आर इन बोथ ऑफ दीज रूब्रिक्स, ही इज श्योर दैट ही विल नेवर रिकवर, दिस इलनेस इज इनक्योरेबल, एंड हिज हैंड जार डिसकंसर्टेड में आके इग्नेशिया एंड ब्रोमियम रह जाते हैं। ही कैन थिंक द सेम आइदर फॉर कंडीशन और फॉर द सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में भी लड़ते लड़ते उसमें ऐसे आ सकता है कि अब कोई हार नहीं है, अब मेरे हाथ खड़े हैं, हैंड जब, अब वो हार फिर मान लेता है। अक्सर हम देखते हैं समाज में ऐसे होते हैं बहुत सारे जो ऐसे सोशली एक्टिव होते हैं, कॉम्युनिस्ट, कामरेड, नक्सलवाड़ी जो भी हैं, वो अल्टीमेटली फिर उनको लगता है कि अब कोई हल नहीं है, हैंड जाप हो जाते हैं उनके जैसे, ऐसी बीमारी के आगे। ब्रोमियम डिसकंसर्टेड एंड कैरिड जेट टू बी फास्ट, जो डीडी है कि ब्रोमियम कैसे दे, तो ब्रोमियम बहुत इजी है, उसमें कैरिड जेट टू फास्ट है जो इग्नेशिया में नहीं है। वो चाहता है कि डॉक्टर साहब मेरे को तो लगता है कि मैंने तो हार मान ली है, ठीक नहीं होना, अगर कोई ऐसी मेडिसिन हो बहुत जल्दी ठीक कर सकती हो मेरे को, तो वो ब्रोमियम आ जाती है। इतना इजी है डॉक्टर साइकिल सिस्टम अगर आप कॉन्फिडेंस से प्रैक्टिस करेंगे तो। ऐसी इसका जो हम पहले से अप्लाई करते आ रहे हैं जो
इसका पार्ट है इग्निशिया का कि कंपनी अवर्जन टू है, फिर हम पूछते हैं अकेले रहना चाहते हैं कंपनी चाहते हैं, रिजर्व्ड है, इंट्रोवर्टेड है, टॉक इंडिस्पोज टू सफरिंग ओवर हियर, अपनी बीमारी के बारे में बात नहीं करना, इतना रिजर्व है, इतना इंट्रोवर्टेड है, कंपनी वर्जन है, घर में ही रहना, कहीं जाना ना, हाई डिजायर टू में भी है और सीक्रेट में भी है कि बहुत सीक्रेट होना, कोई बात है वो बतानी ना किसी को भी अपने। तो दिस इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ इग्निशिया दैट ही नेवर वांट्स कंपनी, ही वांट्स टू बी क्वाइट, नेवर टॉक्स अबाउट हिज इलनेस एंड हाइड हिज पेन फ्रॉम अदर्स एंड इवन ही शी इज सीक्रेटिव टोटली। तो ये पार्ट इसका आ जाता है। अक्सर हम पूछते हैं कि इसके ऑपोजिट जैसे फास्फोरस वाला है, बेलाडोना वाला है, लेक्सस वाला है, जो बहुत सोशली एक्टिव होते हैं, सोशल नेचर सोशल होते हैं, मिक्स अप हो जाते हैं, जो ये मेडिसिन का ग्रुप है इग्निशिया, नेट्रेम्यूर, सीपिया, ये सभी रिजर्व में आ जाते हैं, कंपनी वर्जन टू रिजर्व आ जाता है इसका। इसके आगे जो इसका मैंने पहले आपको बता दिया कि एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट न्यू ब्रैकेट में दिया है, ओल्ड में लेते हैं नेट्रेम्यूर, न्यू में इग्निशिया। पर ये भी बात आ जाती है अगर किसी को आफ्टर वन ईयर, टू ईयर, थ्री ईयर भी ऐसी लगी कि जैसे वो न्यू है, अभी की बात है, आज ही की लेडी आई थी, उसने रोना शुरू कर दिया, कितना देर पहले डेथ हुई थी हस्बैंड की, 3 साल पहले, और बच्चे बहुत अच्छे हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर भी उसने रोना शुरू कर दिया कि मेरे को याद आती रहती है उनकी। तो एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट न्यू, न्यू मीन जरूरी नहीं कि बिल्कुल न्यू हो, अगर उसके मन में न्यू है तो भी हमने लेना है। ग्रीफ लूजिंग ऑब्जेक्ट और पर्सन आफ्टर, के कोई लूज कर लिया, बेशक लव्ड वन लव है, बेशक डेथ हो गई है, दोनों में इतना काम करती है, इतने लव डिसअपॉइंटमेंट के केस हमारे पास पहले से ही आते हैं होम्योपैथी डॉक्टर जी के पास। एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ ए चाइल्ड, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड, ग्रीफ फ्रॉम, ग्रीफ प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इग्निशिया। आफ्टर द डेथ ऑफ सम नियर डियर चिल्ड्रन, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ही इज ग्रीव्ड एंड हिज प्रॉब्लम स्टार्ट ड्यू टू दिस ग्रीफ, ही वांट्स टू बी रिमेन अलोन एंड वीप्स अलोन एंड लाइक्स नो म्यूजिक। फिर क्या हम पूछते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं, वो कहता है मैं अकेला रहना चाहता हूँ और कोई म्यूजिक नहीं सुनना चाहता, इतना वो गम में चला जाता है, wants to remain alone, weeps alone, रोता भी है तो अकेले में रोना है उसने, इन प्रेजेंस में नहीं रोएगा। फिर उसका लव साइलेंट ग्रीफ विद, फिर उसका एक पार्ट और आ जाता है, बिल्कुल मोस्टली मेडिसिन की दो स्टेजेस होती हैं, एक बहुत उसका है कि बहुत ज्यादा करेजियस है, ऑटेसिटी है, डिफाइंट है, पर एक साइड उसकी बिल्कुल ही अपोजिट है, मोस्टली मेडिसिन में ऐसे होता है, वो हम अप्लाई करते हैं रिजल्ट मिलते हैं, कावर्डस ओपिनियन विदाउट करेज ऑफ, कि एक पास तो इतना करेजियस ऑटेसिटी है, एक पास इतना डरपोक है कि अपनी बात भी ना रख सकनी। अक्सर डॉक्टर इन लाज में ऐसे आता है कि हम पूछते हैं कि अगर आप कहते नहीं हो, क्या कॉकुलस है या इग्निशिया, क्या आप रेकोगनाइज करते हो या आप में कहने की हिम्मत नहीं होती, तो इग्निशिया वाला कहेगा कि मेरे में तो कहने की हिम्मत ही नहीं होती जी, कावर्डस करेज नान पार ओपिनियन, माइल्डनेस बियर्ड सफरिंग इवन आउटरेज विदाउट कंप्लेनिंग, इतना इतना माइल्ड हो जाना कि किसी ने बहुत ओपनली उसके उसको बोल दिया तो आउटरेजियसली, फिर भी हो बियर करेगा विदाउट कंप्लेनिंग और शिकायत भी नहीं करेगा, देखिए कितना कितना ऑपोजिट साइड है। और ये रिजल्ट मिलते हैं हम देखते हैं इग्निशिया का ऑपोजिट साइड भी अगर है, अगर ये मिलता है कि कॉवर्डस करेज नॉन फॉर ओपिनियन मिलता है, पेट्रोलियम है इसमें, पेट्रोलियम हम अप्लाई करते हैं
पेट्रोलियम कवर्डस करेज नॉन फॉर ओपिनियन में है और साथ में हेल्पलेसनेस में है। अगर उसकी वर्डिंग ऐसे लगे कि डॉक्टर इन ला है कि मैं तो बिल्कुल क्या करूं सर, मैं मजबूर हूं, मैं अपने पेके भी नहीं जा सकती, मैटरनल हाउस में भी नहीं जा सकती, तो मैं तो बोल नहीं सकती, तो अगर हेल्पलेसनेस वाली आपको लगे कि इसकी वर्डिंग में हेल्पलेसनेस है, इसकी स्टोरी में हेल्पलेसनेस है, तो कॉवर्डस करेज नॉन फॉर ओपिनियन एंड हेल्पलेस पेट्रोलियम आ जाते हैं। ऐसी आ जाती है इसके रूब्रिक्स, जो बहुत गुस्से वाले हैं वो पार्ट भी डॉक्टर जुगेश सहगल सर ने कराया था कि सबसे इरिटेबल और गुस्से वाली इग्नेशिया है हमारी, मच्छी सड़ी जली हुई नेचर जिसे कहते हैं, वो इग्नेशिया है। इरिटेबिलिटी कंट्राडिक्शन फ्रॉम स्लाइटेस्ट सिंगुलर है इग्नेशिया। इरिटेबिलिटी अगर किसी ने कंट्राडिक्ट करता थोड़ा सा भी, कंट्राडिक्शन फ्रॉम स्लाइटेस्ट। वाइल्डनेस एट ट्रिफल्स, थोड़ी जी बात हुई कोई डॉटर ला है आग बबूला हो जाना। और बहुत सारे केस अब तो ऐसे आते हैं कि माइंड ना करना, जो लेडी डॉक्टर्स हैं यंग जनरेशन है कि वो बिल्कुल ही टॉलरेंस नहीं है, थोड़ी सी बात अगर कह दी मदर इन लॉ ने हस्बैंड ने तो डाइवोर्स पे चले जाते हैं। मैं ब्रह्म कुमारी शिवानी को सुनता हूँ, वो कहती है कि किसी समय एक डाइवोर्स हुआ होगा, फिर दो हुए होंगे, फिर दस हुए होंगे, फिर आप आजकल तो ऐसे कहते हैं कि डाइवोर्स तो नेचुरल है, इस इन बातों को, एंगर नेचुरल है, डाइवोर्स नेचुरल है, जेलसी नेचुरल है, ऐसे आपने लाइन जो बना ली, वो कहते हैं ब्रह्म कुमारी शिवानी अगर सुनेंगे आप तो ऐसे ही हो गया है, इतने इतने एक महीने में ही मैरिज के डाइवोर्स, तीन महीने में, छह महीने में, ऐसे चल रहा है। पेशेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, वाइल्डनेस एट ट्रिपल्स, अब्यूजिव इंसल्टिंग, किक्स विद लेग्स, कंसोलेशन काइंड वर्ड्स एग्रेवेट्स, इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, साथ में अम्यूजमेंट वर्जन टू, वो चलता रहेगा। इतना गुस्सा, इतना कुछ बोल देना, किसी की एडमोनेशन, किसी ने सलाह दी कि ऐसे ना करो, वो भी नहीं माननी, तो अम्यूजमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अकेले रिजर्व कमरे में कमरा बंद करके बैठे रहना, डॉक्टर ला है अगर कोई, तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है इग्नेशिया वाला। ही इज वेरी हॉट टेम्पर्ड, इन समवन ट्राई टू कंट्राडिक्ट हर, शी गोज वायलेंट, वाइल्ड, अब्यूजिव, इवन हेट्स, शी हेट्स इफ समवन ट्राई टू एडवाइज हर, शी हेट्स सिंपथी, शी इज वर्स टू एवरीथिंग that makes him laugh, repents only at later stage and amusement version too. Maybe there is a reason, injustice ho raha hai uske saath, injustice cannot support, uske gusse ka karan ye ho sakta hai darren la ke uske saath injustice ho raha ho, to wo tolerate nahi karti hai na, ऐसी इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, ऐसी इसका बच्चों में हम अप्लाई करते हैं, इन चिल्ड्रन के स्कूल में इसको डांट दिया उस समय से इसको प्रॉब्लम है, अक्सर ऐसे मिल जाते हैं केस, एलिमेंट फ्रॉम पुनिशमेंट, पुनिशमेंट एग्रेवेट्स मेंटल सिम्टम्स, जे भी आपने मन में रखना है कि पनिशमेंट की अगर बात आती है कि एलिमेंट्स फ्रॉम पनिशमेंट है, पनिशमेंट एग्रेवेट्स मेंटल सिम्टम्स है, तो भी हमारी इग्नेशिया है, फिर वो सभी साथ में आ जाएंगे, कंसोलेशन एग्रेवेशन, एडमोनेशन काइंडली एग्रेवेशन, सेंसिटिव टू रेप्रीमांड, जो सेंसिटिव पे जाएंगे आप रूब्रिक पे, आप उसके नीचे सब रूब्रिक देखेंगे, सेंसिटिव टू रेप्रीमांड, इफ यू रिव्यूक हिम without any mistake, he gets very angry. It aggravates him if you try to make him understand
और शो सिंपथी, वो साथ में जो तीन चार रूब्रिक है ना वो उसके चलते ही रहेंगे साथ में इग्निशिया के जो है, ऐसी इसका पार्ट आ जाता है जो मैंने बोला था कि जहीं लॉस ऑफ ऑब्जेक्ट और पर्सन है, लॉस ऑफ लव्ड वन है, डेथ ऑफ लव्ड वन है, ऐसी आ जाता है एलिमेंट्स फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस, उसमें भी इग्निशिया बहुत काम करती है, वही ना ऑब्जेक्ट आ गया, ग्रीफ फ्रॉम लूजिंग ऑब्जेक्ट और पर्सन सिंगुलर है इग्निशिया, एलिमेंट फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस वेल्थ है प्रॉपर्टी है, एलिमेंट फ्रॉम मनी फ्रॉम लूजिंग, एलिमेंट फ्रॉम प्लेस लॉस, देखिए कि जो प्लेस थी उसकी वो चली गई, पैसा चला गया, प्रॉपर्टी चली गई, फिर उसको क्या लगता है कि फियर पोजीशन टू लूज इज लुक्रेटिव, कि जो उसकी अच्छी पोजीशन थी समाज में, उसकी अच्छी जॉब थी, पोजीशन थी, वो चली गई, चली जाएगी, फियर पोजीशन टू लूज इज लुक्रेटिव, क्योंकि उसका इतना लॉस हो गया है, डिलूजन वो इज ब्रेकिंग, ये रूब्रिक है किसका, कि मैं जो किसी के साथ कसम खाई थी वो मैं तोड़ रहा हूं, उसको ऐसे लगता है अगर मैंने फाइनेंशियल लॉस हो गया, किसी का पैसा देना था, अब मैं उस समय नहीं दे पाऊं, तो उसको लगता है कि मैं अपना वादा अपनी कसम तोड़ रही हूं, वो इज ब्रेकिंग, ऐसी लव वाले केस में हो जाता है कि मैं वो जो अपनी डिलूजन वो इज ब्रेकिंग, जो वादा किया था वो तोड़ रही हूं। सैडनेस फॉर्चून फ्रॉम रिवर्स ऑफ, उदासी के जो किस्मत थी और रिवर्स होगी, बेसिक वो डेथ होने की वजह से किसी के, बेसिक हो लव्ड वन को खोने से है, बेसिक हो लॉस ऑफ फाइनेंस है, तो उसमें आ जाता है सैडनेस फॉर्चून फ्रॉम रिवर्स ऑफ। दिस ग्रुप ऑफ रूब्रिक्स हैज बीन गुड रिजल्ट्स इन केसेस ऑफ फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल लॉस वाले केसेस में भी बहुत सारे केस में ऐसे देखे देखी है इग्निशिया काम करती है। एक इसका रूब्रिक है कि चैरिटेबल नेचर है, एक गुड साइड भी है उसकी कि किसी की हेल्प करनी, डोनेशन देनी, वो चैरिटेबल नेचर भी है उसका। ऐसी जैसे कि बहुत गुस्से वाला उसकी नेचर है, वाइल्डनेस है, ट्रिपल जो है, इरिटेबिलिटी, कंट्राडिक्शन फ्रॉम सलाइटिस्ट है, ऐसी उसको डिलूजन जो बहुत होती है, डिलूजन क्रिटिसाइज चीज, ऐसी स्टेज भी आ जाती है, उसको लगता है कि उसी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, डिलूजन इंसल्टेड हीज, कि उसकी इंसल्ट की जा रही है, अक्सर हम देखते हैं ना हमारे पास कहते आते हैं बुक के, मेरे को सर क्रिटिसाइज करते हैं, मेरी इंसल्ट करते हैं, ये स्टेज आ जाती है, मेरे पे लोग हंसते हैं, डिलूजन लाफ्ड एट बीइंग मॉक्ड एट, ये एक जो बहुत ही मेंटल डिरेंजमेंट सिजोफ्रेनिया टाइप हो जाती है उसकी नेचर, तो वो ये सभी रूब्रिक आ जाते हैं, डिलूजन उसको लगता है कि उसी का कसूर है, डिलूजन नेग्लेक्टेड हिज ड्यूटी ही है, कि मैंने अपनी ड्यूटी नेग्लेक्ट की है, डिलूजन रॉन्ग ही है इसदान, कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, ये पार्ट इसका आ जाता है। ऐसी सस्पिशियस के अंडर है, टॉकिंग पीपल अबाउट हर, उसको लगता है कि जो बातें कर रहे हैं साइड पे उससे दूर खड़े होकर वो उसकी बातें कर रहे हैं, ये सभी सिजोफ्रेनिक केसेस के सिम्टम आ जाते हैं, क्रिटिसाइड इज टॉक्ड अबाउट, लाफ्ड एट बीइंग इंसल्टेड, ऐसे उनको लगने लग जाता है, बेशक हो ना भी, सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशन में भी है, मीन द प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग राइट कंडक्ट आर नॉट अडहियर टू, जैसे पवित्र प्यार में है ना इग्निशिया, वो ऐसे नहीं के करैक्टरलेस है, किसी के साथ वैसी फिजिकल रिलेशन बना लेगी इग्निशिया वाली, इग्निशिया वाला
वो सेंसिटिव टू मॉरल भी बहुत ज्यादा है इग्नेशिया वाला। उसका प्यार होगा तब वो पवित्र प्योर प्यार लव ही होगा। ही फील्स दैट परहैप्स बिकॉज ही हैज डन समथिंग रॉन्ग नॉट फुलफिल्ड हिज ड्यूटी पीपल आर लाफिंग एट हिम पीपल क्रिटिसाइजिंग हिम पीपल इंसल्टिंग हिम पीपल टॉकिंग अबाउट हिम। जो टॉकिंग वाला है वह बहुत काम आता है रिवर का। अक्सर बहुत ज्यादा मेंटल डरेंजमेंट को कहते हैं कि मेरी बातें करते हैं, मेरे को अक्सर ऐसे सस्पिशन होता है कि वो मेरी बातें करते हैं। हैव सम्स भी आ जाता है उसमें, जो बहुत हम लेते हैं सिजोफ्रेनिक केस जो होते हैं, जो अगर उसकी कलेक्शन करने लगो तो मैक्सिमम रूब्रिक हैव सम्स में आते हैं सिजोफ्रेनिक। फिर उसकी जो और रूब्रिक है, डिलूजन एक रूब्रिक है, र्यूंड र्यूंड शीज, उसमें भी इग्नेशिया है। इग्नेशिया कलकेरिया कार ब्रेटर मेलबम र्यूंड बिल भी ओ पल्साटी ला जाती है। अगर आर पे जाएंगे ना आप ब्लूजन र्यूंड रूब्रिक निकालेंगे तो उसमें र्यूंड शीज ऑलरेडी वो तबाह हो गई है। इग्नेशिया कलकेरिया ब्रेटर मेलबम र्यूंड बिल भी कि तबाह हो जाएगी तो सिंगुलर पल्साटी ला है। सैडनेस लव फ्रॉम डिसअपॉइंटेड है, एलमेंट फ्रॉम फ्रेंडशिप डिसीव्ड है, वही जो प्यार करने वाला था दोस्त था उसने धोखा दे दिया। एलमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट फियर हार्ट ऑफ बीइंग इमोशनली, उसको डर लगता है कि इमोशनली मैं हार्ट होंगी। इनसैनिटी ग्रीव फ्रॉम पागल ही हो जाना, इनसैनिटी लव फ्रॉम डिसअपॉइंटेड पागल ही हो जाना इनसेन हो जाना। फिर वो आ जाता है जैसे हम पहले लेते थे इग्नेशिया को स्टीरिकल केसेस में, उसमें भी उतने ही काम आज भी करती है इग्नेशिया। बात हुई अजय तक कि उसका हम काज ढूंढते हैं कारण क्या है, लव इज डिसअपॉइंटमेंट है मोस्टली, तो वो उसमें आ जाता है साइंग लंबे लंबे हौके लेने हिस्टीरिकल, वो आ जाता है जे ही हैज बीन र्यूंड बिकॉज ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इन लव। He is scared that his feelings might get hurt. He goes insane after being disappointed in love. He sighs deeply. And even ek river ka tears things. Wo bhi wahi mental derangement mein jahan chale jana ke love disappointment hai ke wah after love disappointed ki cheeze paad deni hai tear kar deni paad deni tears things. कारण वही ढूंढने पड़ेंगे हमें, वो कारण मिलेंगे, वो उसकी नेचर मिलेगी साथ में। टीयर्स थिंग्स में और भी बहुत सारी मेडिसिन है, टेरेंटुला उसमें बहुत काम करती है। उसमें वो हम चले जाते हैं फिर वही टेरेंटुला के एंगर थ्रो थिंग जावे म्यूजिक डांस टू मच लाइकिंग नॉट ओनली म्यूजिक बट डांस ऑल्सो, तो हम इतने रिजल्ट लेते हैं टेरेंटुला से एंगर थ्रो थिंग जावे म्यूजिक डांस तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं चिल्ड्रन में भी और यंगस्टर्स में और खास करके वही जो डॉक्टर इलाज के केसेस आ जाते हैं। एक ऐसी लड़की थी मेरे पास आई कि वो पेरेंट्स के पास आई है प्रेग्नेंट है, सभी कुछ इतना कुछ ब्रेकअप कर देती है इतना कुछ स्मैश कर देती है, तो म्यूजिक डांस बहुत लाइकिंग है, हस्बैंड को बहुत प्यार करती है, उसको होता है कि हस्बैंड उसके साथ रहे उसके पास बैठे रहे, फिजिकल रिलेशन जो बहुत एंजॉय करना, शायद इसीलिए वो पेरेंट्स के पास आई थी, वो नहीं मिल रहा था हस्बैंड का प्यार, इतने वो दुखी थे कि साइकाट्रिस्ट के पास जा चुके थे, बाबे के तांत्रिक के पास जा चुके थे, तो मेरे पास आए तो जब उससे मैं टेरेंटुला दी, इवन टेरेंटुला है ना इरिटेबल दी क्वेश्चन मिल्यूरेट्स, इतना उसकी सेक्सुअलिटी उसको इतना एज ऑफ सेक्स माइंड में चला जाता है, तो वो अब आए थे कि कहते कुछ भी नहीं करती सर, जो कुछ करती थी इतना कुछ करती थी हमने लिखाया था, सभी कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, तो ऐसे ही चला जाता है, वो आपको कारण उसका देखना पड़ता है। कुछ और रूब्रिक्स के हैं,
एक इसका है ट्रैवलिंग अमेलियोरेट्स, अगर कहीं आप अप्लाई कर सकें, ट्रैवल डिजायर में बहुत सारी मेडिसिन है, ट्रैवलिंग अमेलियोरेट्स में इग्निशिया है। एंग्जायटी हाउस इन अमेलियोरेशन, उसमें भी सिंगुलर इग्निशिया है कि जब घर में आ गई तो उसकी एंग्जायटी है जो वो ठीक हो जाती है, उसमें रूब्रिक है एंग्जायटी हाउस एंट्रिंग ऑन, और ये है कि एंग्जायटी हाउस इन अमेलियोरेशन। कितने अच्छे ये अपोजिट रूब्रिक हमें मिलते हैं कि घर आने से ही उसको एंग्जायटी, घर आने से उसको बिल्कुल ही एंग्जायटी ठीक हो जानी, तो ये आ जाते हैं इसके रूब्रिक। रोमांटिक फीलिंग वही आ गया, लव वाला, ट्रैवल अमेलियोरेट्स, बीपिंग कैन नॉट बीप दो सैड, वही गम वाले केसेज हैं, डेथ वाले केसेज हैं, लव डिसअपॉइंटमेंट बने कि मेरा दिल करता है कि रोऊं पर रो नहीं आता, बीपिंग कैन नॉट बीप दो सैड। और इसके ऑपोजिट है पल्सा डीला, बीपिंग इजीली, बीपिंग आंसरिंग, बीपिंग एट एवरी ट्रिपल, एंड टोटली ऑपोजिट स्टिल अलोन पल्सेटिला, बीपिंग कंसोलेशन अमेलियोरेशन। जे इग्निशिया, नेट्रेमूर, सीपिया सभी में कंसोलेशन एग्रावेशन है, पर पल्सेटिला इतनी प्यार की भूखी है, उसमें डिलूजन नेगलेक्टेड शीज है, डिलूजन अलोन इन द फैमिली शीज है, बीपिंग कंसोलेशन अमेलियोरेशन है, कैरीड एंड केयरस्ट डिजायर टू, वो तो चाहती है कि उसको गोद में लेके केयरस करता रहे कोई, बिल्कुल ही अपोजिट स्टेज देखिए। तो इसमें क्या है कि बीपिंग कैन नॉट बीप दो सैड, बीपिंग एक रूब्रिक है लास्ट में, बीपिंग रिफ्यूज्ड व्हेन एनीथिंग, जे भी आप कहीं मिले तो अप्लाई कर सकें कि अगर कुछ रिफ्यूज कर दिया कोई भी बात से उसको, तो बीपिंग रिफ्यूज्ड व्हेन एनीथिंग। जे इसकी इंपॉर्टेंट जर्नी है इग्निशिया की, और भी बहुत सारे रूब्रिक हैं जो आप अप्लाई करेंगे और आप हमें टीच करेंगे तो मजा आएगा। आपने किसी ने इग्निशिया अप्लाई की हो, काइंडली जरूर बोलें, बताएं हमें कि कैसे अप्लाई की, कितने अच्छे रिजल्ट मिले। तो ये इग्निशिया मेरी तरफ से कंप्लीट है, जो प्रैक्टिकली हम अप्लाई करते हैं, नथिंग थ्योरेटिकल। तो आप बोलिए जो भी किसी ने अप्लाई की हो। डॉक्टर रजनी प्रसाद, राजेश कुमार, डॉक्टर राशि अगर हैं तो, पता नहीं, कह रही थी लास्ट लेक्चर में मैं है ही नहीं थी सर, मेरे दोस्त हमेशा साइलेंट रहते हैं, इग्निशिया की तरह डॉक्टर जगन्नाथ हैं, अटेंड करते हैं, बहुत सीनियर हैं, मेरे क्लास फेलो हैं, कोई क्लास नहीं मिस करती अगर हम संगरूर में करते हैं, और जितने भी डॉक्टर हैं काइंडली किसी ने इग्निशिया अप्लाई की हो बोलिए। यस सर, आई कैन शेयर अ केस विथ माय आंटी। ओके सर, एक्चुअली मेरी आंटी थी, उनको लॉस ऑफ ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी, इसके दौरान उनकी ब्लीडिंग बहुत एक्सेस आती थी, तो मैंने एक बार उनको इग्निशिया उनकी केस के हिसाब से दिया था ऐसे ही रैंडम, तो उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। और सर आज जो आपने बताया ना डिसअपीयर रिकवरी एंड डिजीज कैन नॉट क्योर, ये वाली रूब्रिक उनके अंदर ऐसा मुझे फील आया आज के लिए जो आपने बताया इसको। उन्होंने ऐसा बोला था कि ये मेरी बीमारी ना ये ठीक नहीं होगी कभी। तो उन्होंने बोला ऐसा, मैंने उस केस को लिखा था, वो चीट मुझे मिल नहीं रही है सर, नहीं तो मैं उसको पूरा डिटेल शेयर करता उसका। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था सर उसको, मैंने इग्निशिया को 3 डोज दिया था 30 का, प्रॉपर 10 मिनट्स के ड्यूरेशन पे, और उनको सेकेंड डे एकदम उनकी ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। ओके जी, थैंक यू सर,
बहुत अच्छा आपका और किसी ने लव डिसअपॉइंटमेंट में डेथ वाले केसेस में इग्निशिया को अप्लाई किया हो, इनजस्टिस कैनर सपोर्ट में अप्लाई किया हो, और ये तो आपने अप्लाई करना ही है कि लेट रिपेंटेंस है, अम्यूजमेंट अवर्जन है, म्यूजिक एग्रेवेशन है, आप इतने अच्छे रिजल्ट लेंगे अगर ये अप्लाई करेंगे आप। सर मैं एक शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हमारी बहन जी थी, बहन जी हैं और उनको मतलब उसकी बेटी की मतलब कंसीव किया था, वो अबॉर्शन हो गया था 6 मंथ में। बहुत डिसअपॉइंट हुई और वो जो है पागल हो गई। ओके। अपने बाल झंझोड़ना, बिल्कुल पागलों की तरह आवाज निकालना, ही ऐसे इस तरह से बहुत और अनकंट्रोल्ड पूरी तरह से। हाँ तो हमने पहुंच करके यार इग्नेशिया का जो है 30 पावर का था मेरे पास, एक डोज दिया सर। एक डोज के बाद में 15 मिनट के अंदर ही उस बस एब्सोल्युटली नॉर्मल। गुड गुड गुड। टीयर फिल्म में आ गए ना, बाल तो खींच लेना अपने। हाँ इट वाज मिरेकुलस एकदम, जबकि जो है वो सब परेशान हो गए थे कि इनको कहाँ साइकोलॉजिस्ट को दिखाए क्या। बिल्कुल, और अगर वो साइकाट्रिस्ट एक बार मेडिसिन शुरू कर ले तो होल लाइफ खानी पड़ती है। यस सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके। ऐसे तो आपने काइंडली पक्का करना है कि 30 से ही शुरू करना है, ईच केस टू स्टार्ट विद 30 पोटेंसी एंड देन गो टू 6 इफ 30 नॉट वर्क। डेली केस देखते हैं, आज भी 3-4 केस मैं नोट कर रहा था, ऐसी था कि 30 में दी कुछ नहीं हुआ, सेकंड वीक का एक नो इम्प्रूवमेंट, 6 में दी सर बहुत ठीक हो गई हूं मैं, सर इतनी फर्क, इतनी इम्प्रूवमेंट है। कम से कम 4-5 केस मैं नोट कर रहा था कि जिनको मैंने मेडिसिन नहीं चेंज की, 30 दी थी आफ्टर 7 डेज नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल, तो 6 कर दी और नेक्स्ट वीक आए कि इतनी इम्प्रूवमेंट आ गई, बहुत ठीक हूं मैं, बहुत ठीक हूं मैं। आपने प्लीज इसको करना है तो हम इससे दूसरों को, न्यू कमर्स को हेल्प कर सकेंगे। कम से कम एक सिंगुलर मेडिसिन पे हम नहीं जा पहुंच सकते। बहुत सारे केसेस में देखते हैं होल डे केस चलता है, कोई रूब्रिक कोई रूब्रिक, कोई मेडिसिन कोई मेडिसिन। कम से कम हम पोटेंसी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लें ना। और कोई केस किसी का? डॉक्टर अंजू कुमारी प्रसाद जी कविता सुना दी, कोई केस भी सुना दीजिए। कोई किसी का अपना लव डिसअपॉइंटमेंट का केस हो? कोई और केस नहीं तो हम फिर गुड नाइट करें, 9:20 हो गए हैं। जी जी सर, एक केस मैं बताना चाहूंगी। हाँ। मेरे छोटे भाई का डेथ हो गया था और ये अच्छा। कोरोना के समय ओके। और बड़े भाई को बहुत उससे लगाव था, डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है। हाँ। फिर हम फील किए कि ये जो है डिस्टर्ब महसूस हो रहा है, तो फिर इग्नेशिया मंगाए, और चूंकि घर में सबसे छोटा था तो सब लोग उसको बहुत प्यार करता था, फिर सबको हाँ। एक एक बूंद दिए, खुद मुझे भी खाना पड़ा, फिर हम लोग मेंटल सेटल हुए, ये घर की बात है। हाँ। और एक बार मेरे छोटे मामा की डेथ हुई थी और उनकी बड़ी बेटी जो है उनको काफी परेशानी हो, किसी को पहचान नहीं रही थी, अपनी माँ को जाके मारने लग रही थी इस टाइप का। तो काफी लगता है 15-20 साल पहले की बात है, उस समय बस इतना ही जानते थे इग्नेशिया के बारे में कि अगर कोई डेथ कर जाए और उसके बाद में कुछ वैसा प्रॉब्लम हो तो देना चाहिए, तो उसको इग्नेशिया पोटेंसी का बहुत ज्ञान नहीं था। 1 mg 1 डोज दिए
अभी वो बिल्कुल ठीक है, अभी तो दो बच्चे भी हैं उसके, काफी है। और एक घर की बात हुई, एक दो पेशेंट में भी इस तरह का रिजल्ट मिला है, तो पेशेंट में तो कंप्लीट केस हिस्ट्री लेकर फिर करना रहता ना, तो उतना उतना याद नहीं है। ऐसे बहुत अच्छी जी, मेडिसिन जो बहुत काम करती है, अगर ऐसे कोई करेक्टरिस्टिक जिनके हम पहले से स्टडी करते आ रहे थे, तो होल केस टेकिंग करते हैं, अल्टीमेटली बीपिंग बहुत है और कंसोलेशन एमिलियोरेशन है, केआरएस एमिलियोरेशन है, तो पल्सेटिला ठीक कर देती है। और किसी का कोई केस हो आगे से जे पार्ट अप्लाई करना है कि चार मेडिसिन है, फोर मेडिसिन को इजीली डिफरेंशिएट करना है आपने, सल्फर, क्रोकस, इग्नेशिया, नेट्रिम्यूर, 80% तो आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे कम से कम। जी सर, ठीक है जी, गुड नाइट करें फिर, 9:23 हो गए। जी सर, ओके जी, गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके जी, गुड नाइट सर, गुड नाइट। अंजुमा आपकी कविता